जिनमें बहुत सारे लड़के लड़कियाँ उसके आदि हैं। कुछ लड़के दो चार दिनों से खराब करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खप पाते थे, तो जो थे वो ज़्यादा खप कर आते थे, बहुत ज़्यादा खप करने का सा माहौल खराब हो रहा था। तो असं उन्होंने बस उन्होंने ये कहा भी तुम्हें नहीं आना, उन्होंने सामना आने की कोशिश मार के छुट्टी मतलब लोग बंदे कट करके जाए बहुत माड़ी गल है। कार्रवाई की जाए अगो चांस ना हो कल फिर इकट्ठे हो गए। लुधियाणा लाइव देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हरविंदर सिंह ढिल्लों तो इस टाइम खड़े हाँ जी फिरोजपुर रोड एम बी डी मॉल के बिल्कुल सामने जिहड़ा बाबा आनंद सिंह एरिया पैंदा हैगा। अज इत्थे दी जिहड़ी घटना तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं, ये वो रस्ता हैगा, ये तां तुहानू दिखा रहे हैगे आ। कुछ नौजवानों वालों एक जिम मालक दे नाल जिहड़ी झड़प की जाती है और इत्थे बाहर आके इस जगह के उपर फायर किया जाता है। 3 बजे के करीब ये जिहड़ा हादसा होया दस रहे ने, उस तो बाद कंप्लेंट की जाती है मौके पर सराभा नगर के SHO और DSP साहब जिहड़े मौके पर पहुँचते हैं और गोली का जिहड़ा खोल है वो जिहड़ा लै जाते हैं सबूत के तौर पर, जो जिम जिहड़े जिम के ओनर ने उन्हां वल्लों दस्सिया गया है। बाकी गलबात भी जिम वाले नाल करांगे असीं कि ये जिहड़ी घटना हुई है इस दे पिछे जिहड़ा कारण हैगा वो की हैगा। ये सारी जिहड़ी घटना हैगी है CCTV कैमराज दे विच जिहड़ी कैद हुई है। आ देखो जी जिम, यह जिम हैगा जिथे सारा हादसा होया, तुहानू अंदर दी जगह भी दिखा दिंदे आ जिथे कि वो नौजवानों वालों जिम मालक दे नाल जिहड़ी हाथों पाई भी की जाती हैगी है। सो ये जिम है जी, इत्थे भी जिहड़ा CCTV कैमराज तुसीं देख रहे हो कि LED लगी हुई है, ये जिहड़ी घटना हैगी इस कैमरे दे विच कैद हुई हैगी जिहड़ी असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैगे आ। मौके ते जिहड़े चश्मदीद सीगे असीं उहनां नाल भी गलबात करांगे। हाँ जी, की नाम तुहाडा जी? पप्पू सिंह। पप्पू जी, सारी जिहड़ी घटना हुई ये वापरी है उस टाइम तुसीं इत्थे सीगे, मौजूद सीगे? मैं उस टाइम उस तो 2 मिनट बाद आया सी। किन्ने मुंडे सीगे जिहड़े जिहदा दे नाले हत्थों पाई हुई? ਉਹ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 3। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਓਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, 4 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸੀ, ਘਟਾ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ जिहड़ी लड़ाई की वजह हैगी की मान रहे हो क्यों हुई? वो ये भी पता सुनने आया है कि उन्होंने एक लड़का जो इतने तुहाडे को एक्सरसाइज भी कर रहा। हाँ जी, हाँ जी करता सी जी। वो लड़की का गलबात सी, इतने सिस्टम से चलने देना, ये बाहर अपना काम करो जो मर्जी, असं इतने नहीं चलने देना, बस इसे चक्कर में जो आ गए सारे हो गए डैश आ गए बाहर निकलने ना, गोली भी चलाई ना उन्होंने पिस्टल ना लगे आए। ओके, जिहड़ी लेडी सॉरी लड़की दस रहे हो वह भी इतने तुहाडे को एक्सरसाइज वगैरह कर रही है? और कुछ आपत्तिजनक तुसीं देखिया ते तुसीं मना किया उस तो? मना किया जी। ते ओह बस इसे चटखट जो मुंडे नूं इकट्ठे करके लिया। ते कोई धमकी वगैरह भी दित्ती गई? धमकी तां दित्ती, धमकी तां दे ही रहे बार बार, फिर छड़ा के हुण जांदी वारी धमकी दे के गए वो, जांदे वारी भी धमकी दे के गए वो, मुंडा इकला सी, वह 7 जणे सीगे। की मंग करदे हो कि तुहानू लगता हैगा कि शरेआम जिहड़ी ये गुंडागर्दी हुई हैगी अज किस तरह तुहानू लग रहा हैगा हालात देख के लग रहा कि पंजाब के जिहड़े हालात ने सिखावे ने? इस हिसाब नाल बड़े माड़े है जी, जे बंदे 7-7 जणे करिया के अटैक करन ये तो बहुत माड़ी गल है जी, हुण ते कार्रवाई सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी इन बंदे ते। की मंग करदे हो तुसीं? ये बंदे ते कार्रवाई की जाए अगो इहो जिहा चांस ना होवे कल नूं फिर इकट्ठे हो गए। छोटियां उमरां ने गुस्सा जिहड़ा इन्ना मतलब एक जिहड़ी 100-150 की गोली हुंदी है जदों ये चल जाती है तो भुगतनी जिहड़ी बहुत ही औखी हो जाती है। सो यूथ नूं असीं भी बेनती करदे हां कि इन्ने ज़्यादा गर्म ना होया करो। अक्सर कहा जाता कि जिहड़े पंजाबी गाने ने वो माहौल जिहड़ा खराब नहीं करते, तो
कई लोग तर्क देंगे ने कि शोले फिल्म देख के सारे डाकू थोड़ा बन गए, पर कि ना कि पंजाबी गाने दे विच भी जिहड़ा हथियारां दा इस्तेमाल हुंदा हैगा उहदा नौजवानी दे उपर जरूर असर पैंदा। और पंजाब दे विच तां इक लहर ही जिहड़ी चली हुई है तुसीं सारे भली भांति जाणदे हो, इस तों सारे जाणू ते होर भी जिहड़े इत्थे लोग मौजूद सीगे उहनां नाल भी गल्लबात करन दी कोशिश करदे आं। मेरा नाम रकेश कुमार जी, इत्थे रहण वाला बाबा नंद सिंह दा फलसफा बोल की मामला होया सर। उत्थे सदा इनवोक फिटनेस नाम ते जिम है, जिम दे विच बहुत सारे लड़के लड़कियां उत्थे आउंदियां। कुछ लड़के दो चार दिनों से खराब करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खप पाते थे। सारे ने सू उन्होंने कंप्लेंट की, असं उन्होंने जवाब देने से कह कोई कोई सा जिम छड़ दो, क्योंकि हाले साढ़े को कोई साढ़े वास्ते जगह नहीं हैगी, क्योंकि इतने लड़के ने भी आना, लोगों ने मावं भैन ने सारे ने आना। तो जोड़े थे वो ज़्यादा खप कर आए थे, बहुत ज़्यादा खप करने सा माहौल खराब हो रहा है। तो असं उन्होंने बस उन्होंने कहा भी तुम्हें नहीं आना, उन्होंने सामने आने के कोटा मार के जिम के लोग बंदे कट करके लिया। शीश तिवारी नाम है जी मेरे, इनवोक फिटनेस जिम है मेरा फिरोजपुर रोड से। उन्होंने जी सा लड़की आँदी थी, लड़के आते थे कबड्डी के प्लेयर, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कभी साइड कोच ना लड़ना या कभी किसी ना लड़ना। उन्होंने हटाया गया दो तीन बार भी ना लड़ो, उस तो बाद फिर भी वो मतलब कम चलता रहा, इदा ही लड़ते रहे लड़ते रहे। उस तो बाद मैं लड़की समझाया भी इन्हों बुला बंद कर भी, इन्हों बिल्कुल बुला के नाल होर भी लड़के जिन्हें गल् मारनिया भी सू एक घंटा सरकार ने दिता, एक घंटा ही सू मिलेगा। तो वो अगों उन्होंने लड़के लड़की ने कन्वे किया होना मैसेज, तो बस उस मैंने सवेरे कॉल आया भी तेन असं फायर मारा ये करा। दोबारा आया फोन मैं भी बहर आओ, मैं तीन बजे सुता पाया, तीन बजे मैंने बहर बुलाया, तो मैं अंदर लैके गया जिम के पानी पुनी पिलाया, उतों उन्होंने गला गुला कड़नी शुरू की, कुड़ी बुलाई तो कुड़ी ने उन्होंने सपोर्ट दी, उन्होंने बस उस बाद लड़ाई हुई। रिवॉल्वर उनके जिम च भी कढ़ने की कोशिश की, बाहर फायर भी की, सारी रिकॉर्डिंग जिम साडे कोल पई है। मेरे को लॉकडाउन तो बाद ज्वाइन किया, पहला भी लॉकडाउन तो पहला भी इतने आते थे, उन्होंने मदर भी आते थे पहला, मेरे कोई ऐसी गल नहीं, वधिया जिम चल रहा था। रंजिश रंजिश बिना गल तो कोच तो लगा नहीं रही मैंने, या कोच इदा कर रहे हैं बिना गल तो रोला पाना। आंदे ही पहला तो इन्हों का काम से भी अब तो अभी बंदा मार देना फलाना कर देना, मैंने थोड़ा जहा पसंद नहीं कि हाँ भी रिवॉल्वर कर लाँगे साढ़े को बाहर ही बंदा मार दी जा फलाना कर दी जा, इन्होंने बड़ा मन हटाया भी इदा के माहौल ना क्रिएट करो जिम के, पर नहीं मने। अभी जी फायरिंग कितने हुई है जिम से जिम के बाहर फायरिंग हुई है, रिवॉल्वर जिम के अंदर कटी थी, मेरा ब्रदर है बाहर लेके गया तो फायरिंग फायर करके तो उस बाद उड़ गया। किन्ने किन्ने फायर किए? एक ही फायर किया। इस सब जाने की मांग करते हो सरकार तो प्रशासन की कहना चाहते? यही कहना चाहते इंसाफ मिले भी इदा जो जिम हर जिम के हो लग गया, तो पुलिस ने जिहड़ी मुढ़ली जांच शुरू कर दित्ती गई हुई है। इस टाइम असीं थाणा सराभा नगर दे विच आ जिथे कि एस एच ओ परमदीप सिंह जी बैठे ने साडे नाल, उन्हां नाल गलबात करदे आ कि जिहड़ा सारा मामला हैगा की हैगा। सर जैन जी जी सानू अज तकरीबन तीन सवा तीन बजे इनफॉर्मेशन मिली सी कि मेडिवेज जिहड़ा हॉस्पिटल है उसकी बैकसाइड पर एक जिम है इनवोक फिटनेस जी, तो उत्थे एक लड़ाई झगड़ा होया तो प्लस फायरिंग भी हुई। असं उत्थे मौके पर पहुंचे, मौके पर सानू जिहड़ा जिम ओनर है आशीष तिवाड़ी वो मिले, उन्हें दस्या कि जिहड़े उहदे ट्रेनिंग सीगे जी तीन बलविंदर सिंह बिंदर वासी पिंड पनौड़, लवप्रीत सिंह प्रगट देतवाल का, हरप्रीत सिंह न्यू उदर नगर का, ये अपने नाल चार अणपछाते बंदे लैके आए, दो गड्डिया सवार होके पहले जिहड़े तकरीबन सत्त बंदे हैं जिम च एंटर होए हैं। ये जिहड़ा जिम ओनर की कुटमार की ना धक्का मुक्की की है, जिहड़े मौके पर बंदे होर मौजूद से आशीष तिवाड़ी के जिहड़े फैमिली मैंबर आ उन्होंने फिर इन्हों बाहर कढ़िया, बाहर जाते सार इन्होंने फायरिंग भी की है, जो असी मौके पर पहुँच के सीसीटीवी फुटेज जिहड़ियां कलैक्ट कर लिए तो मुकदमा दर्ज करके अपना तफ्तीश अमल लिया के इन्हों के जो कसूरवार इन्हों जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
सर इन्हों के पहला भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है इन बंद हजे जांच के आया कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा असं जल्द सारा क्लीयर करके इस और खुलासा कर सकते हैं नाल आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस जल्द इन्वेस्टिगेशन पता लग जाएगा कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं तो वजह सर की सामने आ रही है जी कुछ पता चले वजह जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਪਰੀ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲ ਬੁਲਾਈਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਪਰੀ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਅੰਡ ਛੱਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਮ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਲਦ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਮਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਜੇ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ